नयन कहाँ जाना बोलो, हमको तो वो गोलगप्पा चाट खाने का मन कर रहा है। हम लोग का मन खा खा के मेरा पेट ना गुल गुल करने लगा है। अच्छा, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बहुत दिनों के बाद मार्केट। जो मेरा फेवरेट गोलगप्पा है वो काफ़ी दिन से खाने का दिल कर रहा था पर जा नहीं पा रहे थे, तो आज खाना वाना भी बन के, वैसे पहले ही दिन में मैंने वो जो तहरी बना लिया था तो वो है, तो मज़े से रहेंगे एक दो घंटा जो भी, और हम व्लॉग भी बनाएंगे, आप सबको देखने को मिलेगा मैं क्या क्या करूँगी। गोलगप्पा तो खाऊंगी, एक दो शायद मैं स्कार्फ ये वाला लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये स्कार्फ लगा रही हूँ और बहुत सारे लोग जो हैं कि बोल रहे हैं कि आप एक ही स्कार्फ लगाते हो, तो मैं स्कार्फ भी चेंज करूँगी, लेने की कोशिश लूँगी शायद अगर खुला हो दुकान तो, क्योंकि अभी 8 बज गए लगभग, तो हो सके अगर मेला ओपन होगा तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट और देखते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम एंजॉय करते हैं। गोलगप्पा वाले के सामने हम कटोरा लेके खड़े हैं। चलो लो खाओ खाओ, तुम्हारा है ना, अभी हम खाएंगे, आप पहले खाओ, आपको खिला ले रहे। आराम से खाओ, आराम से खाओ ना, रखो ना इसे। फिर से बोलो फ्रूटी। ठीक है ले लो, का फला भी दुकान बंद था, हमने गोलगप्पा चाट खा के गई दुकान, तो दुकान पूरा सील था पैक था। यहाँ मुझे काफ़ी दिन से जलेबी और क्या बोलते हैं मलाई खाने का मन था, तो यहाँ एक होटल है, हमने जाके पूछा तो जलेबी सुबह 10 बजे का निकला हुआ है, तो हम नहीं खा सके। 10 का मिलेगा फ्रूटी, जाओ ना, 10 वाला है फ्रूटी। हाँ है, जाओ 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 है, जाओ जाओ। आयान ले रहा है बिस्किट, बहुत दिन से आयान की बिस्किट खत्म हो गई थी। नहीं ये अच्छा नहीं लगता बेटा। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं स्कार्फ लेने गई, तो वहाँ पे मार्केट जो है कि बंद था तो मैं नहीं ले पाई, और यहाँ पे हम आ गए हैं घर। वैसे खाना वाना बना है, बना हुआ, टेंशन वाली बात नहीं, आराम से मैंने गोलगप्पा चाट खाया और बस आ गई हूँ घर। यहाँ पे मैंने लिया है फेना बिस्किट और ये है चाय वाली बिस्किट, जो कि आयान को काफ़ी पसंद है और आयान काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था, मैं मार्केट में तो जा ही नहीं पाई। ये वाली बिस्किट आयान लेकर आए हैं,
और मेरी जो फेना बिस्किट है वो मेरा पसंदीदा बिस्किट है, मैं बचपन से उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम देखे, ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से ली हूँ। ये देखिए ये वाला पापड़ी वाला फेना बिस्किट, बहुत ज़्यादा चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वाह देखे ये 50 mg वाली थायरॉक्स वाली गोली एंडोगंजी वगैरह अपना। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है ये। और बस मैंने ये क्या बोलूँ, इसको मैं दोबारा से शूट कर लूँ, ऑलरेडी मैं इसे शूट कर ली थी बट मैं इसे दोबारा से वीडियो ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैंने मीशो से मंगाया है। एक है यहाँ पे फिंगर रिंग जो कि ऐसे डब्बा में मुझे मिला है, तो बहुत अच्छा। ये डब्बा जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ यूज़फुल है। तो क्यों, क्योंकि ऐसे आप रिंग इसमें रख सकते हैं, कान के इयररिंग, छोटे छोटे टॉप्स होते हैं वो रख सकते हैं, पतले पतले जो चैन होते हैं वो रख सकते हैं, क्लिप स्टोल इसमें रख सकते हैं, गार्टर रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो इस डब्बे को बिल्कुल ना फेंके, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये डब्बा मेरे लिए यूज़फुल रहता है। मैं तो इसमें अपनी हर एक छोटी छोटी सी चीज़ स्टोर करके रखती हूँ, कभी ऐसे डब्बे को हम नहीं फेंकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डब्बा मिला है इसके साथ, और ये मंगाया है मैंने मीशो से। और बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, और इसका प्राइस सिर्फ 119 रुपये। तो ये देखिए ये है रिंग, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रियली रियली बहुत अच्छा। अच्छा आयान बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है एकदम सोना है। आयान ऐसा बोल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये देखिए तो अब हम चलते हैं इसे देखते हैं। और बहुत मतलब ये मैं साल भर से नहीं ले पा रही थी, ये बात नहीं है, मतलब मैं नहीं ले पा रही थी, वाकई नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था वो मार्केट में, मैं जैसा मोटा हील पहनती हूँ और पट्टा वाला चप्पल पहनती हूँ, एकदम एक पट्टा बस वो चप्पल पहनती हूँ, और मोटा हील होना चाहिए, हील में भी ऐसे वाला हील, ना कि ऐसे बराबर मोटा, मतलब इधर भी और इधर भी बराबर, वो वैसा वाला मुझे नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब नीचे डाउन ऊपर हील, ऐसे टाइप से ऐसे आके ऐसे इतना कैसे बताऊँ, हील वाली चप्पल पहनती। और बाकी जो मैं हील देख रही थी ना, तो ऐसे फ्लैट वाले हील थे, मोटा सा फ्लैट, और उसमें हील था ही नहीं। अरे बाबा ऐसे ना खड़ा रहता और ऐसे चुप रहो ना, तो मैं वैसा चप्पल ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। फिर भी मैं मायके गई थी तो एक चप्पल लेकर आई थी, जो कि जब मैं वहाँ से आ रही थी तो जिस दिन मैं मायके से निकली पहनकर वहीं टूट गया। तो हमने कहा कि चलो इसको रख लेते, क्योंकि ऐसा चप्पल मेरे बार बार नहीं मिलता, मैं ना इसको जो चप्पल बनाते हैं मैं उससे बनवा लूँगी। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं फेंको इसको, तुम क्यों लेके जाओगे, टूटा चप्पल नहीं लेके जाने की ज़रूरत है, तुम दूसरा ले लेना, हम तुमको दूसरा दिला देंगे। बट उस टाइम से हम ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, लेकिन ये भी लाया है ना तो वैसा नहीं है जैसा मैं पहनती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो मतलब थोड़े से ये मतलब दूसरे टाइप का है, तो फिर भी ये ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए हम देखते हैं, मेरा सैंडल काफ़ी दिनों बहुत बार जाती थी मार्केट ढूंढती थी बट मिलता नहीं। ये देखिए ये इसका, ये कंपनी का है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि क्या बताऊँ, इतनी सॉफ्ट लग रही है पहनने के बाद कि मैं क्या बोले, बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा कि हाँ पैरों में इतना कुछ मतलब भारी सा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये है मेरा सैंडल, इसमें पेपर लगाया हुआ है, तो ये है सैंडल, ये है 999 रुपये का, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छा लगा हमको पहनने के बाद। तो वो जो मैं पहनती हूँ ना उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है बट ठीक है, अच्छा है, कंफर्टेबल है। ये देखिए है ना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब ये रांची गए थे तो वहाँ से उन्होंने देखा तो उनको अच्छा लगा, तो बोले हम तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इसी टाइप से चप्पल पहनती हो तो इसलिए हमने अच्छा ही किए भाई। तो ये छोटी छोटी सी तैयारियां होने लगी है, क्योंकि मुझे जानी है अपनी, मेरे घर में दो दो शादियां हैं, एक मेरा है भाभी का शादी।